घरेलू नुस्खे आम समस्याओं के सरल समाधान। नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको कुछ ऐसे आसान घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जो आपकी रोजमर्रा की समस्याओं का हल है। ये टिप्स न केवल आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे बल्कि आपकी दिनचर्या को भी आसान बना देंगे। तो आइए जानते हैं कुछ अद्भुत उपाय। सबसे पहले नंबर एक पर, रात को सोते समय दांत पर हल्दी का लेप लगाने से दांत ठीक हो जाता है। नंबर दो, काले नमक में मौजूद सल्फर, जिंक जैसे न्यूट्रिएंट्स डेट और ड्राई स्किन की प्रॉब्लम दूर करते हैं। इसका पानी पीने से स्किन हेल्दी होगा और ग्लो बढ़ेगा। अब चलते हैं नंबर तीन पर, खीर बनाते समय उसमें थोड़ा सा नमक डालने से खीर का स्वाद बढ़ जाएगा। नंबर चार, हल्दी को दूध या पानी में मिलाकर पीने से हृदय की धमनियों को साफ रखने में मदद मिलती है। नंबर पाँच, आँखों की रोशनी बढ़ानी है तो भिंडी खाओ। नंबर छः, लहसुन को हल्का सा गर्म करने से उसका छिलका आसानी से उतर जाएगा। नंबर सात, यदि दूध की मलाई में एक चम्मच चीनी डालकर फेटा जाए तो मक्खन ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। नंबर आठ, पालक को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खाने से खून बहुत तेज़ी से बढ़ता है। नंबर नौ, खजूर को रोजाना खाने से हड्डियाँ और दांत दोनों मजबूत बनते हैं। नंबर दस, बाल झड़ने से परेशान हो तो अंकुरित मेथी खाओ। नंबर ग्यारह, दिमाग की शक्ति बढ़ानी है तो बैंगन खाओ। नंबर बारह, कमर दर्द में 15 दिन बबलू गोंद का हलवा खाने से कमर दर्द और जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। नंबर तेरह, छोटी सी दिखने वाली लौंग बदल सकती है आपकी किस्मत, अचूक है ये उपाय। यदि आपके घर में आर्थिक संकट बना रहे हैं तो आप सरसों के तेल के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी के समक्ष मंगलवार और शनिवार को जलाएं। इससे आपके धन संकट दूर होंगे। यदि आपके हर काम में बार बार बाधा आती हो या कोई काम होकर रुक जाता हो तो आप लौंग के इस उपाय को करें। सुबह स्नान कर पूजा करें और भगवान की आरती करते समय दीपक में 2 लौंग डाल दें। इसके बाद जैसे जैसे लौंग जलता रहेगा आपकी बाधाएं दूर होती रहेगी। नंबर 14, दांतों को मजबूत करना है तो कच्चा गाजर खाओ। नंबर 15, चावल को हल्दी लगाकर रखने से कीड़े नहीं लगते हैं। नंबर 16, हड्डियाँ मजबूत बनानी है तो पनीर खाओ। नंबर 17, बाथरूम में भरी बाल्टी रखने से क्या होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बाथरूम में रखी बाल्टी को खाली नहीं छोड़ते हैं, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है कि हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का विशेष महत्व होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम में खाली बाल्टी रखने से मना किया गया है। यही कारण है कि बाल्टी में पानी भरकर रखा जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बाथरूम में बाल्टी को भरकर रखने से कई चमत्कारी फायदे मिलते हैं, इसलिए बाल्टी को भरकर रखना चाहिए। और वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बाथरूम में भरी बाल्टी को रखता है तो आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ऐसा करने से धन बढ़ने लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बाथरूम में नकारात्मक ऊर्जा का अधिक प्रभाव रहता है, लेकिन बाल्टी भरी रखने से सकारात्मक ऊर्जा रहती है। नंबर 18, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से 100% पोषक तत्व मिलते हैं। नंबर 19, पकोड़े बनाते समय अगर उसके घोल में एक चुटकी अरारोट
और थोड़ा सा गरम ऑयल मिला दिया जाए तो पकोड़े अधिक कुरकुरे और टेस्टी बनते हैं। नंबर 20, आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए गाजर का रस सबसे उत्तम माना जाता है। नंबर 21, हल्दी को दूध या पानी में मिलाकर पीने से हृदय की धमनियों को साफ रखने में मदद मिलती है। नंबर 22, अगर थर्मस से बदबू आ रही है तो पानी में नींबू डालकर धो लें। नंबर 23, पुदीना का पत्ता चेहरे पर रगड़ने से चेहरा नरम और मुलायम हो जाता है। नंबर 24, पाचन से जुड़ी समस्याओं में जीरे का पानी सुबह सुबह रामबान की तरह है। नंबर 25, मटर की सब्जी खाने से आँखों की कमजोरी दूर होती है और आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। नंबर 26, आटा गूंथते समय उसमें थोड़ा सा तेल मिला लेने से आटा नरम और चिकना बनेगा। नंबर 27, इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती को आप पौधों में डालकर खाद की तरह उपयोग कर सकते हो। नंबर 28, महीने भर एक सेब खाने से आपके चेहरे पर ग्लो बना रहता है। नंबर 29, हरी मिर्च खाने से भोजन जल्दी और आसानी से पच जाता है। नंबर 30, रोजाना भिगोई हुई मूंग दाल खाने से शरीर की ताकत में वृद्धि होती है। ये सभी सुझाव सामान्य घरेलू नुस्खे हैं। किसी भी तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्या में डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। इन नुस्खों का असर व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर कर सकता है, इसलिए सावधानी से आजमाएं। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ खास घरेलू नुस्खे जो आपके स्वास्थ्य और जीवन शैली को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। इन सरल उपायों को अपने जीवन में अपनाएं और लाभ उठाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। चाओ।